हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत खास है उनके लिए जो एक माइक की तलाश में, जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। ये K8 वायरलेस माइक्रोफोन है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है। तो आज इसकी मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। और ये माइक मुझे कितने का पड़ा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या रिसीव हुआ है, इसमें कितना और क्या आया है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता है उसे एक माइक की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि कोई ऐसा माइक हमें मिले जो सस्ता भी हो और अच्छा वर्क भी करता हो। तो इसकी टेस्टिंग भी हम करेंगे, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी। तो इसमें अब मुझे ये क्या क्या मिला है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये एक माइक है। इस माइक में एक चिमटी लगी हुई है जो हमारे कॉलर में या शर्ट में लग जाती है बड़े आराम से। और ये जो पन्नी जैसी लगी हुई है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता। और इसके ऊपर एक ये लगा हुआ है फिल्टर। और अब हम निकालते हैं, ये है एक पिन जो हमारे अभी इस फोन के लिए हमारे कोई काम की नहीं है। ये होती है आईफोन के लिए, जो आईफोन होते हैं ना उनमें ये डायरेक्ट नहीं लगता है। एक और रिसीवर आता है इसमें, वो डायरेक्ट नहीं लगता, वो इसको पहले लगाते हैं इस पिन को, तब हमारा रिसीवर लगता है। और अब यह आ जाता है रिसीवर जो कि हमारे फोन में लगता है। मैं एक वीडियो और बना दूंगी जो कि कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, इसकी आवाज कैसी होती है, आउट में इसकी आवाज कैसी जाती है, तो वो मैं सारी वीडियो अच्छे से बनाऊंगी। ये होता है रिसीवर जो हमारे फोन में लगता है, और वो होता है माइक जो हमारे कॉलर में लग जाता है। और ये कनेक्ट कैसे किया जाता है फोन में, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और क्या हमें इसमें मिल जाता है वो भी मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें और क्या। बॉक्स बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी होकर के आई है, फ्लिपकार्ट से आया ये। और ये एक छोटा सा बॉक्स है, और इसमें देखो क्या मिलता है हमें। इसमें शायद एक डाटा केबल है जिससे ये हमारा माइक चार्ज होता है। ये माइक को चार्ज भी करना होता है, जो माइक है ना, रिसीवर को कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, माइक को हमें चार्ज करना पड़ता है। और ये कितनी देर चार्ज होता है और कितनी देर चलता है वो मैं इसकी टेस्टिंग कर लूंगी ना, तब वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। तो ये कुछ डाटा केबल है जिससे हमारा चार्जर, जो फोन का चार्जर होता है उसमें लगा करके इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सारे आइटम, हमें चार आइटम इस माइक में मिल जाते हैं। ये सिंगल वाला मैंने माइक मंगाया, एक डबल वाला भी आता है जो कि जो दो लोग इंटरव्यू के लिए जैसे वीडियो शूट करते हैं तो वो दो माइक की जरूरत पड़ती है। तो ये जो माइक होता है वो उसमें डबल हो जाते हैं, लेकिन मैं ब्लॉगिंग के हिसाब से मैंने सिंगल वाला ही मंगाया है। तो ये कुछ K8 वायरलेस माइक्रोफोन ये आपको दिखाई देता है, ये बॉक्स में आया है। और ये माइक कैसा है, कैसा काम करता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अगली वीडियो में जब बनाऊंगी टेस्टिंग की। तो चलिए अभी आपको बता देते हैं कि ये मुझे कितने का पड़ा। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, तो फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलते ही रहते हैं, कभी परसेंट घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी 50% या 60%। तो ये मुझे पड़ा था 400 रुपए का। अब मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ। रिसीवर है, इस तरह से फोन में लग जाता है, और ये जो माइक है वो आपके कॉलर में लग जाता है। तो ये कैसा लगा माइक, बहुत अच्छा और सस्ता माइक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और इस माइक के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।